नमस्कार, राम राम। मैं पंडित राम किशोर शर्मा विद्यानगर भोपाल से आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार करते हुए अपने विचार व्यक्त करता हूं। वर्तमान समय में जो कठिन परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं, कोरोना से संबंधित इस समय लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं एक तरह से, तो इसमें जो बड़े हैं, युवा हैं, वो अपने आप को तो कैसे ही करके मेंटेनेंस करके अपने को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो लोग अपने आप को किस प्रकार से इस समय में महसूस करते हैं, ये अपन लोगों को जानना भी जरूरी है। और उनके लिए जो शारीरिक क्षमता है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है जो उनके शरीर की, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आज कुछ टिप्स, कुछ प्रयोग हम बताना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे लोग भी स्वस्थ रह सकें। और बच्चे क्या, सभी लोगों के लिए वह टिप्स रहेगी, जैसा कि सुबह उठते समय उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पिलाना, बच्चों को खुद भी पीना, और रात को सोते समय विशेष करके हल्दी का गुनगुना दूध, ये बच्चों को देना बहुत अति आवश्यक है इस समय। वैसे तो हमेशा ही देते रहेंगे ना, तो भी ठीक रहेगा। एक विशेष, और मैं आप लोगों को एक विशेष प्रयोग बतला देता हूं। आप लोगों ने रुद्राक्ष का नाम सुना होगा, ये रुद्राक्ष है मेरे हाथ में, देखिए ये रुद्राक्ष है, इसको आप एक रुद्राक्ष लीजिए और अपनी हथेली पर रखें और दूसरी हथेली से उसको दबाकर इसको इस प्रकार से घुमाइए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए हाथ पर, इस प्रकार से घुमाइएगा, आप भी करें और बच्चों से भी ये करवाएं, और फिर इसी प्रकार ये हाथ पलट कर इस प्रकार से आप इसको घुमाइएगा, तो ये हथेली में जो रक्त संचार है, इससे रक्त संचार ठीक होगा और इससे शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। ये प्रयोग आप करके देखिएगा सुबह और शाम को, ये आप भी करें और बच्चों से भी करवाएं। ये है रुद्राक्ष, इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी रहती है, गॉड गिफ्ट है ये, इसको आप धारण भी कर सकते हैं। धारण करने से हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर वगैरह इत्यादि इससे कंट्रोल होता है, और इसी रुद्राक्ष से शुगर भी कंट्रोल की जा सकती है। इसको रुद्राक्ष को आप एक तांबे के पात्र में, लोटे में जल भर के रात भर रखें, उसमें डाल दें, सुबह उठकर वही जल आप पिएंगे, इससे शुगर भी कंट्रोल होगी निश्चित रूप से। एक बार फिर से आप देख लीजिए, चाहे एक रुद्राक्ष रखें हाथ में या दो रखें, जैसी सुविधा हो, और इस प्रकार से आप घुमाइएगा, निश्चित रूप से आपको एक दो दिन में ही फर्क महसूस हो जाएगा। और विशेषकर बच्चों के लिए ये थोड़े बड़े रुद्राक्ष हैं, छोटे भी आते हैं, आप वो रुद्राक्ष किसी प्रकार से प्राप्त कर लें, नहीं हो रुद्राक्ष तो कोई भी ऐसी चीज हो गोल या नहीं भी है, तो आप अपने आप को हथेली पर प्रेस, एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं, प्रेस करिए अपने अंगूठे से पूरे हथेली में, आपको पॉइंट नहीं मालूम फिर भी आप इस प्रकार से देखिए, ये इसी प्रकार, और ऐसे ही बीच हथेली में इस अंगूठे से प्रेशर डालकर और इसको मुट्ठी बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, इसी प्रकार दूसरे हाथ पर भी बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, इस प्रकार आप भी करिए, अपने बच्चों से भी करवाइए, ये आपको आपके शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाने में सहायक होगा।